भारतीय टीम के हरफन मौला खिलाड़ी हार्दिक पांड्या जब से अक्टूबर में ग्रेट ब्रिटेन से सर्जरी कराकर लौटे हैं, तब से सभी की नजरें उनकी वापसी पर हैं कि टीम इंडिया की स्टार ऑलराउंडर आखिर टीम इंडिया में वापसी कब करेंगे। पांड्या को हालांकि पूरी तरह से फिट होने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन अच्छी खबर अब यह है कि हाल ही में ग्रेट ब्रिटेन से चेकअप कराकर लौटे हार्दिक पांड्या ने बेंगलोर में स्थित राष्ट्रीय क्रिकेट अकेडमी यानी कि एनसीए में गेंदबाजी का अभ्यास करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि एनसीए में मौजूद सूत्रों के मुताबिक पांड्या ने गेंदबाजी अभ्यास से शुरू कर दिया है और वो जल्दी चयन के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। आपको बता दें सूत्रों के मुताबिक ग्रेट ब्रिटेन में कुछ रूटीन चेकअप कराने के बाद पांड्या भारत लौट आए हैं और इस हफ्ते से उन्होंने गेंदबाजी अभ्यास भी शुरू कर दिया है, वो जल्द ही चयन के लिए उपलब्ध होंगे। तो वहीं दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज में पांड्या वापसी कर सकते हैं। इस बात को याद रखिएगा, पांड्या दक्षिण अफ्रीका की सीरीज में वापसी कर सकते हैं क्योंकि इस सीरीज के पहले मैच में अभी एक महीने का वक्त बाकी है। तो ग्रेट ब्रिटेन में उन्होंने जेम्स एलिबॉन से अपनी पीठ का इलाज कराया। तो वहीं ग्रेट ब्रिटेन के हालिया दौरे के बारे में सूत्रों ने बताया कि ये रूटीन चेकअप था और उससे ज्यादा कुछ नहीं। पांड्या और जसप्रीत बुमराह ने पहले दिल्ली कैपिटल्स के ट्रेनर रजनीकांत शिवागनमन के साथ अपनी चोट पर काम किया, जबकि योगेश परमार ने पांड्या की पीठ की चोट पर करीबी नजर रखी। वहीं नितिन पटेल ने बुमराह के हर कदम पर नजर रखी। तो बीसीसीआई अध्यक्ष ने हालांकि साफ कह दिया था कि सभी खिलाड़ी एनसीए में रिहैबिलिटेशन करेंगे। टीम प्रबंधन ने भी पांड्या को एनसीए जाकर ट्रेनिंग करने को कहा था और इसी के तहत हार्दिक पांड्या बेंगलोर स्थित राष्ट्रीय क्रिकेट अकेडमी यानी कि एनसीए गए हैं, जहां पर वो बॉलिंग प्रैक्टिस भी अब शुरू कर चुके थे। यानी कि कहीं ना कहीं ऐसा सामने अब आ गया है कि पांड्या आईपीएल से पहले इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की सीरीज में ही टीम इंडिया में वापसी कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो उनके फैंस के लिए बहुत ही बड़ी खबर है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।